आज उठाए। भिवंडी टाइम्स का भी इसमें बहुत बहुत शुक्रिया कि भिवंडी टाइम्स इस मुद्दे को पूरा अपनी गर्मजोशी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इसको आवाम के मुफाद में उठा रही है, जो कि बराह रास्त हुकूमत से टकराव है, बराह रास्त सीएम उद्धव ठाकरे से टकराव है। तो हम एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं भिवंडी टाइम्स को कि भिवंडी टाइम्स इसके ऊपर इतनी सक्रिय, इतनी एक्टिव है। हम मुबारकबाद देते हैं भिवंडी टाइम्स को और पूरी आवाम से हम वो करते हैं कि ना सिर्फ भिवंडी टाइम्स बल्कि इस मूवमेंट को आप पूरा सपोर्ट करो। हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैदर, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जो सीएम हैं श्रीमान उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल के ज़रिए, जिसमें ये कहा गया है कि 500 स्क्वायर फीट की जो जगह है, 500 स्क्वायर फीट का जो घर है, उसकी घर पट्टी माफ़ की जाएगी। तो अब वो तो था, जो स्टेटमेंट था वो बॉम्बे वालों के लिए था। अब देखना ये है कि हमारी भिवंडी की जो महानगर पालिका है या भिवंडी के जो नगर सेवक हैं वो इस पर कितना काम करते हैं। भिवंडी के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो गरीब है, एक तबका नहीं कह सकते हम, भिवंडी के अंदर बहुत सारे मकान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब हैं, जो दिन का 200-300-400 उतना ही कमाते हैं, जहाँ पर जो ज़्यादातर मकान आपको मिलेंगे वो 200 स्क्वायर फीट, 300, 400, 500 ऐसे ही स्क्वायर फीट आपको घर मिलेंगे। जो झोपड़पट्टी का एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर घर 500 स्क्वायर फीट से कम या उतने ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ पे राहत मिलेगी। हमने कोशिश की है कुछ लोगों से बात करने की, आइए जानते हैं उनसे उनकी राय। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ह्यूमन एड फाउंडेशन के इंजीनियर नवीद बेताब साहब, जो कि जैतूनपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपनी राय रखेंगे इसके बारे में। क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा भिवंडी टाइम्स का कि इस मुद्दे के ऊपर आप लोग काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी एक्टिव हैं, होना भी चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका मुद्दा है कि अगर सीएम साहब ने 500 स्क्वायर फीट का एक लालच या एक लॉलीपॉप अगर मुंबई का कॉरपोरेशन रेंज के अंदर के लोगों को दिया है कि जिसका भी हाउस या उसका जो भी एरिया है अगर 500 स्क्वायर फीट के अंदर है तो उसको मतलब प्रॉपर्टी एग्जेम्पशन होगा, उसको डेट कॉल एग्जेम्पशन इन लीगल टर्म, प्रॉपर्टी एग्जेम्पशन होगा उसको। तो इसको समझने के लिए मैं सिर्फ दो छोटी बातें रखूंगा, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है लेकिन आवाम के हित में, आवाम के हक में। तो हमारे उदय ठाकरे साहब जो सीएम है वो ऐसा नहीं है कि खाली बॉम्बे के सीएम है, वो पूरे महाराष्ट्र के सीएम है। तो उन्होंने जो फैसला लिया है वो फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं भिवंडी शहर में रहता हूँ, मैं भिवंडी शहर की बात करूँगा हमारे सीएम साहब से कि आपने जो वहाँ किया है, हमारे भिवंडी शहर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग 400-500 स्क्वायर फीट के और झोपड़े में लोग रहते हैं, तो यहाँ का भी अगर वो घर पट्टी माफ़ हो जाती है तो ये शहर के लिए बहुत अच्छी बात है और यहाँ भी होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उद्धव ठाकरे साहब ने हमारे जैसे मुंबई के लिए जो 500 स्क्वायर फीट के घर जितने भी हैं उनका जो हाउस टैक्स है वो माफ़ किया है, ये मतलब बहुत अच्छी बात है मुंबई शहर वालों के लिए। इसके अलावा भिवंडी शहर में भी जो हिसाब से हमारे भिवंडी शहर में जैसे गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो गरीब तबके के लोग ज़्यादा है इस हिसाब से हमारे भिवंडी शहर में भी ऐसा कुछ जो है रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि 300 स्क्वायर फीट है या 400 या 500 है, जैसे भी एक कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए कि इतनी घर पट्टी या नल पट्टी जो भी है इतनी गरीबों को जो है छूट मिलनी चाहिए, माफ़ी मिलनी चाहिए। तो ये केजरीवाल का उन्होंने एक नमूना यहाँ पेश किया जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऑलरेडी किया है, लेकिन हम इतने तक सीमित क्यों रहते हैं? हम खाली आम आदमी पार्टी या यहाँ पे शिवसेना या महाविकास आघाड़ी ने ऐसा कुछ कार्ड खेला है, जबकि आपकी मालूमात के लिए बता दूं ये अभी जो शो किया गया है ना ऑलरेडी, ये चीज़ जब बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2017 के अंदर ऐलान किए थे उन्होंने, वहाँ के जो उनका सीमित एक इलेक्शन था, ये 2017 में ही सीएम साहब ने इसको ऐलान कर दिया था। अगर इसको सर्च भी करेंगे तो आपको ये डिटेल 2017 की मिलेगी। 17 के ताल्लुक से मैं एक चीज़ और अभी आपको बताऊँगा जस्ट नेक्स्ट, पहले उससे पहले मैं आपको बता दूँ 2011 के अंदर जब ये टैक्स के अंदर इतनी ज़्यादा धांधली होने लगी, सब होने लगी, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड बनाया गया। याद रखिए बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ, 2011 के अंदर महाराष्ट्र स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड बनाया गया, जिसके सेक्शन 22-23 के हिसाब से तमाम रूल्स रेगुलेशन और पावर्स उनको दिए गए, ये तमाम चीज़ की जा सकती थी, जिसके अंदर पूरे कैलकुलेशन के बाद ही ये चीज़ बताई गई कि ऑलरेडी ये टैक्स एग्जेम्पशन होना चाहिए, सब वो 2011 में फाइनल हो चुका था। हम लोग अगर ये देखेंगे तो दिल्ली में भी जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है वो पूरे स्टेट के सीएम है ना, सीएम तो स्टेट का ही होता है, तो उन्होंने पूरी दिल्ली में ये लागू किया है कि 200 जो यूनिट है वो बिजली फ्री है, जो घर पट्टी है वो जो भी उनकी स्कीमें हैं वो जो है पूरे स्टेट के लिए जो है उन्होंने ये ऐलान किया है, ना कि एक शहर के लिए, ना कि ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड ऐसी कोई भी नगर पालिका के लिए उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने पूरी स्टेट के लिए ऐलान किया है।
तो मैं आपके चैनल भिवंडी टाइम्स के माध्यम से उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे सीएम है उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी ऐसा कुछ रिजोल्यूशन पास करें कि महानगर पालिका चाहे ए ग्रेड की हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, कोई भी ग्रेड से ताल्लुक रखने वाली नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, है ना, या किसी भी या कोई भी शहर हो, पूरे स्टेट में जो है ये जो घर पट्टी फ्री जो है 500 स्क्वायर फीट का अगर किसी का घर है तो नहीं, अगर 500 400 कर दो या 300 कर दो, एटलीस्ट जो एरिया है एरिया के हिसाब से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हिसाब से जो अगर 300 स्क्वायर फीट का होता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है कि गरीब को फायदा होना चाहिए, 400 स्क्वायर फीट का होता है तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद है और 500 स्क्वायर फीट का होता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, तो ये पूरे स्टेट में होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे दोनों आमदार उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए और हमारे जो कॉर्पोरेटर है, जो हमारे 90 कॉर्पोरेटर है, इनको भी महासभा में ठहराव लेके पास करके उधर जी ठाकरे साहब को, हमारे सीएम साहब को भेज देना चाहिए कि अगर आपने वहाँ पे अगर ऐसा किया है तो हमारी भिवंडी महानगर पालिका में भी आप ऐसा करके दो। लेकिन ये जो कॉर्पोरेटर है हमारे, बोलना नहीं चाहिए, ये जो आपस में जो लड़ाई चालू है इनकी, जो एक दूसरे के खिलाफ गलत वर्ड बोलना, ये बंद करना चाहिए। लोगों को आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, हमारी भिवंडी बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है, खड्डे से और भी बहुत मामले हैं भिवंडी शहर में, सब दूर करो। और आप लोग एक समझदार एक पोस्ट पे रहने वाले लोग हो, आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, उल्टी सीधी बात करना, ये सब आप लोग बंद करो और भिवंडी विकास में कैसे जाएगी, तरक्की भिवंडी कैसे होगी, उस पे ध्यान दो। और हर नगर पालिका नगर परिषद को चाहिए कि वो अपने अपने नगर पालिका में जो ठहराव पास करे और ये चीज़ जो है उद्धव ठाकरे साहब तक पहुँचाए कि हमारे यहाँ भी गरीब तबके के लोग इतने इतने परसेंट में जो है रहते हैं, है ना, गरीब लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी ये स्कीम जो है उसका फायदा होना चाहिए। मैं सबसे पहले भिवंडी की नागरिकों को ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने एरिया के नगर सेवकों को ये बोले कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जीआर पास किया है वो आप अपने मेयर से बोल के महासभा में एक एजेंडा लगाए, मजमून लगाए और उसके ऊपर एक साथ हो के एक अखंड हो के एक ठहराव लिया जाए, कि मुख्यमंत्री जी से विनंती की जाए कि हम ये जो जीआर आपने पास किया है वो भिवंडी महानगर पालिका को भी दिया जाए। तो अभी जैसा कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप सामाजिक खिदमत अंजाम देते हैं भिवंडी के अंदर, तो आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे इसके लिए कि आप क्या कर सकते हैं? मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि जितने मेरे कांटेक्ट के नगर सेवक हैं उनसे बात करूंगा और उनसे बात करने के बाद उनसे ये मतलब डिमांड करूंगा या मांग करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है भिवंडी की जो महासभा होती है, जो महानगर पालिका में महासभा होती है, उसके अंदर मेयर के सामने जो है ये एक ठहराव पास किया जाए और ठहराव पास करने के बाद जो है उसको उद्धव ठाकरे साहब तक पहुँचाया जाए कि भिवंडी में भी ऐसी कुछ स्कीम लाई जाए कि गरीबों का जो है फ़ायदा होना चाहिए। और इसके अलावा जो है जितने पार्टी के जो मेन जो पार्टियाँ हैं जो भिवंडी में उरूज पर रहती हैं, तो हर पार्टी के अध्यक्ष को भी चाहिए कि वो जो है ये इस चीज़ पे गौर करे और ये जो है हमारे भिवंडी शहर में भी लागू होने चाहिए। हमारा जो स्टेट है जिसको सीएम खाली वो मुंबई के लिए नहीं है, एज अ सीएम उन्होंने इस चीज़ का जब ऐलान किया है तो हमारे इधर मेन मेजर टू एक्ट चलते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड या कॉरपोरेशन से रिलेटेड। नंबर वन अगर आप देखेंगे तो 1949 के अंदर महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट जो बना था जिसका MRTP 1949 के अंदर, जिसके अंदर आप देखो जो भी इलीगल बिल्डिंग्स के लिए जो नोटिस वगैरह रखती है, आम शॉर्ट में लोग बोलते हैं MRTP की नोटिस लगी है, तो ये 1949 के अंदर जब ये एक्ट बना था तो इसके अंदर बहुत सारे पावर्स और ये दिए गए थे, जिसके अंदर कमिश्नर्स को भी दिए गए थे पावर बहुत सारे। उसके बाद सेकेंडरी 1966 के अंदर सेम यही चीज़ जो है, जैसे ये बॉम्बे के लिए जब 1949 में हो गया तो सेम वही चीज़ 96 के अंदर महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग एक भी इसी के अंदर वो चीज़ आता है 1966। तो अगर इस चीज़ के हम देखें इसमें भी बहुत सारे एग्जेम्पशन या पावर्स ऑलरेडी है, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ हो सकती थी, लेकिन सीएम साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेला हुआ है, लेकिन एक कार्ड जनता के हित में, जनहित में, जिस तरीके से इससे पहले सचर कमेटी आई थी तो लोगों ने क्या कहा था मालूम है कि कांग्रेस गवर्नमेंट, देखो इस चीज़ को आप प्लीज़ अटेंड नहीं करना, बहुत अहम बात है। तो उस वक्त सचर कमेटी के ताल्लुक से लोगों ने यह कहा था कि देखो अभी तक मुसलमानों की जो हालत है ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही किए पिछले 60 साल 65 सालों के अंदर, अब ये लॉलीपॉप दे रही है, हमारे को रिपोर्ट दिखा के अपर कास्ट वालों को खुश कर रही है कि देखो आप बोलते हो कि हम मुस्लिम फेवर में या माइनॉरिटीज़ के फेवर में, तो हमने इनकी मुसलमानों की खास तौर से हालत कर दी है, गरीबी की रेखा के नीचे दलितों से भी नीचे हो गए। तो उस वक्त हम लोगों ने जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त मेरा एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट या वन पॉइंट मेरा एजेंडा यही था कि चाहे वो लॉलीपॉप बोलो या हमको दिखावा या हमको किसी तरीके से बहलाने की चीज़, लेकिन अगर सर्चर कमेटी आई और उसके 15 नुकात जो बाद में पीएम पॉइंट्स के नाम से हुए, 15 नुकाती जो वजीर आजम के नुकात थे वो पास हुए, तो ये सचर कमेटी ही की बदौलत था। तो इस तरीके से अगर ये जनता को लॉलीपॉप भी अगर ये है
तो भी ये जनता के हित में ये होना चाहिए, लेकिन इसमें पार्शियलिटी ना होनी चाहिए। पूरा महाराष्ट्र के वो सीएम है, ना कि सिर्फ मुंबई के, या मुंबई तो ऑलरेडी रिच प्लेस है, मुंबई तो ऑलरेडी अमीर तरीन जगह है, वहाँ पर डे जो हमारे दैट कॉल कैपिटेशन इन लीगल टर्म कि पर डे वहाँ पे इनकम कितनी है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1988 के तहत वहाँ पर डे एक आदमी कितना एक मतलब उसको सैलरी देता है या कितनी वेजेस उसको मिलती है, उसकी बनिस्बत अदर पार्ट ऑफ मुंबई या अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे वो चीज़ में एक बहुत वेजेस बहुत कम है। तो पहले हकदार तो हम है, पहले हकदार तो हम है, और हमारा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल है आफ्टर एग्रीकल्चर, तो हमारी सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री होकर भी आज सबसे कुसुमपुरसी में हम है, सबसे बुरे हालात हमारे हैं। तो ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से और ओपनली मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हकदार अगर कोई है इस चीज़ में, इस मामले में, तो हमारे अपनी भिवंडी शहर है। हम पूरे महाराष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, बात सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हमारी तो डिमांड है कि ये पूरे इंडिया में लागू हो, क्योंकि जो सबसे पिछड़ा वर्ग है वो गरीब नहीं है, एक बार समझ लो, जो मिडिल क्लास है ना, मध्य वर्ग, सबसे पिछड़ा ये सैंडविच है। अपर क्लास को खाली उसकी एक अपने स्टेटस की होती है फिक्र, क्योंकि अपर क्लास है, पैसा है, जो लोअर क्लास है वो गरीब है, उसको स्टेटस से कोई मतलब नहीं होता, उसकी ज़रूरत पूरी होने से उसको मतलब होता है। लेकिन जो बेचारा मिडिल क्लास है ना, मध्य वर्ग, हम और तुम जैसे लोग, हमको हमारी इज्जत भी बचानी है, हमको हाथ भी नहीं फैलाना है। तो सबसे पिछड़ा हुआ जो सैंडविच वर्ग है ना, जो ऊपर से नीचे दोनों तरफ से दबा, अपनी इज्जत बचाते हुए जिसको ज़िंदगी गुजारना है वो हम है। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है, आज यही लोग घरों के अंदर रहते हैं, सारे टैक्स भरने वाले यही है, सबसे बड़ा टैक्स भी मिडिल क्लास भरती है, हर किस्म की पाबंदी कानून ही मिडिल क्लास पे। तो मैं चाहूँगा ना सिर्फ महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र बल्कि पूरे इंडिया में, अरे 500 नहीं, कम से कम 700-800 स्क्वायर फीट का ये एग्जेम्पशन हमको मिलना चाहिए, ताकि आज मिडिल क्लास जो है, चाहे वो अपने छोटे छोटे रूम या झुग्गी झोपड़ी टाइप बना के या बोलते हैं ना अनफुलफिल्ड करके अगर वो रहता है, अधूरा फार्म टाइप घर बना के रहता है, तो अप्रोक्सीमेट 700-800 स्क्वायर फीट हो जाता है वो। इसलिए कम से कम ये 700-800 स्क्वायर फीट का पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए, और जो बोर्ड को पावर 2011 में दिया गया है ये वो होना चाहिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, भिवंडी में। अब भिवंडी में आप देखोगे तो 2017 का जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, जो 4 का पैनल था, तो आप उसके अंदर उड़ा कर देख लो, सबसे पहली अप्लीकेशन जो है इंजीनियर नवीद बेताब ने डाली थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसका प्रूफ अलहमदिल्ला आज भी मेरे पास है, जिसको लास्ट महासभा यानी कि 2017 के इलेक्शन के पहले की जो ऑलरेडी मतलब 12 और 17 के बीच का टर्म पूरा होने की जो लास्ट महासभा थी, उस हाउस के अंदर वही अर्जी के ऊपर पूरी बातें उठाई गई थी, जिसके अंदर उस वक्त जो आयुक्त थे उन्होंने कुछ नहीं कहता, मेयर ने उसको पास भी कर दिया था कि ठीक है, अब इसके बाद वो जो नलपट्टी ऐड कर दी गई थी, हाउस टैक्स के साथ नलपट्टी ऐड कर दी गई थी, तो हर रूम जितने घर नंबर, ऐसा नहीं था, लोगों ने अपने टैक्स कॉरपोरेशन के फायदे के लिए किया था, अगर मेरे 4 रूम है तो ठीक है, 4 रूम का अलग अलग घर नंबर लेकर हम टैक्स भरेंगे तो कॉरपोरेशन को उत्पन्न होगी, इनकम क्रिएट होगी। लेकिन इन्होंने उसका मिसयूज करते हुए क्या किया, जितने घर नंबर उतने नल, जबकि आपकी फैमिली है, आप पूरी फैमिली में एक ही नल इस्तेमाल करते हो, ना कि 4 रूम के 4 नल। तो ये हम लोगों के साथ जो खेल खेला गया, तो उस वक्त लास्ट महासभा के अंदर बाकायदा रद्द किया गया था कि भाई पानी पट्टी हर हाउस नंबर पर नहीं होगी, जिसमें है उसी पर होगी। लेकिन इमीडिएट उस वक्त जो कमिश्नर थे नायक, उन्होंने बाकायदा जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ बोले मैं इस चीज़ को नहीं करूंगा, बाकायदा उस वक्त खुशियां भी मना ली गई थी इलेक्शन से पहले, और बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स को इसका फायदा भी हुआ था। देखो इन्होंने जो इतना बड़ा एक जुर्म था, नलपट्टी लगा दी गई वो एकदम, उसके अंदर मैंने ये 500 स्क्वायर फीट वाला मुद्दा भी उठाया था कि इसको जो एग्जेम्पशन है वो प्लस नलपट्टी, इसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में इनके ही मेयर ने बाकायदा कोई ऑब्जेक्शन ना लेते हुए, और गालिबन जावेद दलवी मेयर थे शायद, वहाँ जावेद दलवी ही थे कन्फर्म, वही आए थे फर्स्ट टर्म के अंदर, तो आते ही साथ उन्हें कमिश्नर से कुछ भिड़ा नहीं, बोले मुझ तक तो कुछ नहीं आया, मैं इसको रद्द करता हूँ। सोचो एक महासभा में हमारे 47 की पावर, हमारा मेयर इवन शिवसेना का समर्थक, डिप्यूटी मेयर हमारा मतलब शिवसेना के गठबंधन से, उसके बाद भी इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया, आज तक कोई बोलने तैयार नहीं है। और जो बड़े धन्ना से पुढ़ारी है इनके जो लोग थे, इन्होंने एक स्कीम, एक चालाकी, एक मक्कारी लेकर आई, हाउस को मर्ज करना, आपका अलग अलग 4-5 घर नंबर है तो उसको मर्ज करके आप एक कर दो, उस एक घर नंबर पे फिर एक आएगी, आपका टैक्सेशन वही बढ़ रहा है, तो घुमा फिरा के घी कहाँ गिरी, खिचड़ी में गिरी। तो ये लोग हर तरीके इस्तेसाल कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली सीएम उद्धव साहब से मैं डायरेक्ट डिमांड करता हूँ आपके माध्यम से, और ओपनली डिमांड करता हूँ कि अगर आपको कोई समझ या तमीज़ नहीं आ रही हो, या इस चीज़ में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो कि पूरा महाराष्ट्र के आप सीएम हो, तो मैं
फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर कुछ आपसे चार्ज किए हुए मैं अपनी सर्विस आपको देने तैयार हूँ। आप मुझ जैसे बहुत सारे जियाले हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इस पूरी डिजाइनिंग के अंदर, जो प्लानिंग करना है तो आप मुझ जैसे से कॉन्टेक्ट करो। मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस महाराष्ट्र के लिए सेवा देने तैयार हूँ और पूरे महाराष्ट्र में इमीडिएट इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से डिमांड है, तासुब ना बरता जाए भिवंडी के साथ। साहब भाई आप इस बारे में क्या राय रखते हैं बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा जो भिवंडी की जनता है इसमें सारी गलतियाँ जनता की है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अभी सियासत को बोल के कुछ मतलब नहीं है, जितने भी सियासी लोग हैं जितने भी नेता है उनको बोल के कुछ मतलब नहीं, जनता जागरूक हो जाएगी तो हमारा उसमें फ़ायदा है। जनता को जागना पड़ेगा अभी क्या सही है क्या गलत है। 2-4-5 सौ के लिए जनता अपने आप को खो बैठती है। भिवंडी टाइम्स का भी इसमें बहुत बहुत शुक्रिया कि भिवंडी टाइम्स इस मुद्दे को पूरा अपनी गर्मजोशी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इसको आवाम के मुफाद में उठा रही है, जो कि बराह रास्त हुकूमत से टकराव है, बराह रास्त सीएम उद्धव ठाकरे से टकराव है। तो हम एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं भिवंडी टाइम्स को कि भिवंडी टाइम्स इसके ऊपर इतनी सक्रिय इतनी एक्टिव है। हम मुबारकबाद देते हैं भिवंडी टाइम्स को और पूरी आवाम से हम वो करते हैं कि ना सिर्फ भिवंडी टाइम्स बल्कि इस मूवमेंट को आप पूरा सपोर्ट करो। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि हमारी भिवंडी की जो जनता है उनको कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा इस मामले में, और उनको अपनी बात जो उनके एरिया के नगर सेवक हैं उनको पकड़ना होगा और उनको ये बात बतानी होगी कि आपको आपका ये काम है, आपको ये काम करना है, तभी नगर सेवक भी जागेंगे, उनको भी ये लगेगा कि अब भिवंडी की जनता जाग चुकी है और उनको अपना काम याद आएगा और वो उनकी आवाज़ को नगर पालिका तक पहुँचाएंगे और फिर उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तब जाकर कहीं ये काम होगा। इन तमाम बातों के बावजूद अब हम एक चीज़ आपसे और जो भी लोग हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो भिवंडी के अंदर है, भिवंडी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबका कहना यही है कि भिवंडी हमारा है, हम भिवंडी का विकास चाहते हैं, हम भिवंडी की भलाई चाहते हैं, और वो हर कोई पार्टी वाला यही कहता हुआ नज़र आता है। तो अब देखना ये है कि भिवंडी की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं सारी की सारी, क्या वो एक साथ मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, क्या वो एक साथ मिलकर इसके ऊपर दबाव बनाएंगे कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो इस चीज़ को हमारे सीएम तक पहुंचाए इस चीज़ को, और वहां से वो अब अप्रूवल लेकर आए कि जैसा वहां पर कानून लगाया गया है, कानून पास हुआ है कि जो 500 स्क्वायर फीट का घर है उसकी घर पट्टी नहीं ली जाएगी, क्या भिवंडी में भी वैसा ही होगा, होगा या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तो देखते रहिए मेरे साथ भिवंडी टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया।